सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 8, विषय आपका हिंदी, और आज हम आपको हिंदी में व्याकरण पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपको व्याकरण में आपका टॉपिक है स्वरनाम। ठीक है, तो आज हम आपको स्वरनाम पढ़ाएंगे, संज्ञा हम पढ़ा चुके हैं। तो पहले देखिए आप स्वरनाम किसे कहते हैं, पहले तो हम उसकी परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम की परिभाषा लिखिए। संज्ञा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वरनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक स्वरनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक स्वरनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक स्वरनाम, चौथा संबंधवाचक स्वरनाम, इसके बाद देखा प्रश्नवाचक स्वरनाम, और छठा है आपका निजवाचक स्वरनाम। देखो सबसे पहले मैंने बताया है कि स्वरनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, स्वरनाम के 6 प्रकार के होते हैं। देखिए आप, पहला है पुरुषवाचक स्वरनाम, दूसरा निश्चयवाचक स्वरनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक स्वरनाम, चौथा संबंधवाचक, पाँचवा प्रश्नवाचक, और छठा आपका निजवाचक। ये आपके स्वरनाम है, पहले आप इनको नोट करो। देखो पहला है हमारा पुरुषवाचक स्वरनाम, पुरुषवाचक स्वरनाम किसे कहते हैं, देखिए आप इसमें जिस स्वरनाम का प्रयोग कहने वाला सुनने वाला
ठीक है, या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, वहां पर पुरुषवाचक स्वर्णा होता है। जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वह पुरुषवाचक सरना होता है। देखिए आप इसके, जैसे इसके उदाहरण देखिए, जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि, इसको नोट करो। देखो पुरुषवाचक स्वर्णनाम तीन प्रकार के होते हैं, पुरुष वाचक स्वर्णनाम तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आप इसमें, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, ठीक है। इसके बाद देखिए आप दूसरा, मध्यम पुरुष, जिसमें आता है तुम, तू या तुम। उसके पहले आता है देखिए आप अन्य पुरुष, इसके बाद आगे आपका अन्य पुरुष। ऐसे संस्कृत में भी रहते हैं तीन पुरुष, ठीक है, लेकिन उसमें उसमें देखिए आप, आपके हिंदी में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, और उसमें प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें अब अन्य पुरुष यानी वह, वे आदि। अन्य पुरुष माने किसी अन्य के बारे में, दूसरे के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं, वह अन्य पुरुष होता है। मध्यम पुरुष है तुम या तू के लिए प्रयोग किया जाता है, और आपका उत्तम पुरुष मैं, हम सब, इसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको नोट करो। दूसरा आपका निश्चय वाचक, निश्चित वाचक स्वर्णनाम, निश्चय वाचक स्वर्णनाम। देखिए आप इसमें जिन स्वर्णनाम स्वर्णनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चयवाचक स्वर्णनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। देखिए आप जैसे इसका देखिए आप
जैसे वह, दूसरा है आपका वे आदि। यहाँ पर देखिए, जिन स्वर्णनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वहाँ निश्चयवाचक स्वर्णनाम होता है। जैसे देखिए आप उदाहरण इसका, वह है, वे है आदि, ये इसके उदाहरण है, इसको नोट कीजिए। देखो आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, तो इनको आप पढ़ना और याद करना, ठीक है।